सपोर्ट करने जा रहा है ना। अब इस पूरे सपोर्ट के साथ इंडस्ट्री के लिए अपना कॉम्पिटिटिवनेस को इम्प्रूव करना एक अचीवेबल एक टारगेट है, क्योंकि इंडस्ट्री के लिए कुछ एक चीजें होती हैं, जैसे आपका लिक्विडिटी का कॉस्ट है, आपका योर फाइनेंस कॉस्टिंग, दूसरे आपका प्रोडक्शन का कॉस्ट है, कंप्लायंस का कॉस्ट है, तीसरा आपका लॉजिस्टिक्स या सप्लाई चेन कॉस्ट है, चौथा इसमें एक इंपॉर्टेंट बिंदु आता है कि आपका क्वालिटी और आपका ब्रांड। अब इन सभी में इंडियन इंडस्ट्री में काफी सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे कई कंपनीज ने एक अपना ब्रांड डेवलप किया, ग्लोबल मार्केट में गए और एक बहुत कॉम्पिटिटिव रेट्स पे उन्होंने एक अच्छा क्वालिटी दिया। तो ये ऐसा चीज नहीं है कि जो चीजें कुछ एक सेक्टर्स में हम लोग कर रहे हैं बाकी सेक्टर्स में वो नहीं हो सकती है। कुछ एक सेक्टर्स में कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी का बैरियर है आपके पास, मान लीजिए कोई बहुत ही एक हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर है जो टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है, लेकिन अच्छी बात यह है कि आज भारत में काफी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं। दूसरे जो ग्लोबल कंपनीज, चाहे वो अमेरिका की हो, चाहे वो जापान की हो या कोरिया की हो, वो आज इंडिया में पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार है और काफी कंपनीज का इस समय भारत पर फोकस है, तो वो टेक्नोलॉजी का अवेलेबिलिटी भी आज की तारीख में कोई मुश्किल बात नहीं है। लेकिन राजीव तीसरा जी, बात, इस जी 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 राजीव जी, इसके साथ उन्होंने बोल्ड निवेश की, एक प्रधानमंत्री ने बात की, तो आपको लगता है जो बोल्ड निवेश की, ये क्या मौका इस वक्त जो है, हालांकि मैं फिच की रिपोर्ट पर आऊंगा, फिच की रिपोर्ट आशाएं जगाती है, लेकिन आज के संदर्भ में, आज के माहौल में जब प्रधानमंत्री बोल्ड निवेश की बात करते हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, इंडस्ट्री या इन्वेस्टर्स को मेनली एक कॉन्फिडेंस का जरूरत पड़ता है। तो आज प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कॉल दिया और जितने भी हमारे मेंबर्स हैं, इंडस्ट्री के लोग हैं, जो अभी तक का फीडबैक हमारे पास है, काफी एनकरेज लोग फील कर रहे हैं। बेशक इमीडिएटली क्राइसिस है, इंडस्ट्री के पास शॉर्ट टर्म के इश्यूज हैं, 3 महीने में, 6 महीने में उनको मैनेज करना है, लिक्विडिटी है, वर्कफोर्स है और अपने बाकी वायबिलिटी को इंश्योर करना है, आपके ऑपरेशंस को, कैपेसिटी को जो है पूरा यूज करना है, लेकिन इन्वेस्टमेंट कोई इमीडिएट टर्म वाला चीज नहीं है। इन सभी सेक्टर्स में अगर आप आज से काम करना शुरू करते हैं तो इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका एटलीस्ट 1 साल, 1.5 साल, ग्रीन फील्ड है तो थोड़ा और ज्यादा वो आपका रहता है। लेकिन जब एक पॉलिसी फ्रेमवर्क पॉजिटिव है, एफडीआई सेक्टर ओपन आपका हुआ है, तो ज्वाइंट वेंचर्स का स्कोप है वहां पे, जो आपका फाइनेंसिंग का कॉस्ट है, ऑलरेडी गवर्नमेंट का इच्छा है कि उसको कम किया जाए, काफी सारे स्टेप्स लिए गए हैं, फार्मर को फ्रीडम दिया गया है कि वो माल जहां चाहे बेचे। और दूसरा बात, इसमें जो बोल्ड स्टेप्स का बात है कि जो आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो छोटे उद्यमी हैं, छोटे उद्योग हैं, किसान हैं और आपके एफपीओज हैं जो दूर दराज इलाकों में बैठे हैं, उनके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जिनको इंडस्ट्री ग्लोबल मार्केट्स और नेशनल मार्केट्स तक ला सकता है। और आज एंटरप्रेन्योर बनना खाली एक मतलब फैक्ट्री और एक बिजनेसमैन का बात नहीं है, लेकिन छोटे लेवल पे भी आपका फॉरेस्ट्री बेस्ड इंडस्ट्रीज है, जी आपके हैंडीक्राफ्ट्स हैं, हैंडलूम है, एक बड़ा सेक्टर फर्नीचर, फर्नीचर अभी भी इंडिया में काफी फर्नीचर इंपोर्ट होता है। अब फर्नीचर बनाना कोई टेक्निकली बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं। बिल्कुल इसी तरह से फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर में इंडिया का जो डिपेंडेंस है पिछले कुछ सालों में बढ़ा है और काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो इंडिया में पहले बनते थे और स्लोली वो, जैसे पीएसयूज थी कुछ, वो बंद हो गई, वो चीजें बननी बंद हो गई और हम लोग भी थोड़ा इकोनॉमी को ओपन अप करने का बात कर रहे थे, तो बहुत इजी था सभी के लिए कि हम लोग उसको इंपोर्ट कर लें। जी प्रधानमंत्री जी ने आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही और वो एक शब्द था संयम, के बहुत इजी लगता है कि हम लोग लो कॉस्ट प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट कर लें, जी लेकिन संयम को रखते हुए और एक लॉन्ग टर्म व्यू देखें, अपॉर्चुनिटी को परखें,
और उसमें निवेश करें। तो मुझे उम्मीद है कि इंडियन इंडस्ट्री इसको बहुत ही पॉजिटिवली लेगा और डेफिनेटली जो है इस सेक्टर में इन्वेस्टमेंट्स आएंगे। ठीक, बहुत बढ़िया बात आपने की। प्रधानमंत्री ने संयम की बात की, आपने समझाया भी इसके दरअसल मायने संयम के क्या हुए। मैं शिशिर आपके पास हूं, उससे पहले अगर संजय सिंह मेरे साथ जुड़ सकते हैं। संजय सिंह जी, क्योंकि प्रधानमंत्री के आज इस आत्मनिर्भर भारत को लेकर के इसके कई राजनीतिक लोग इसको राजनीति के चश्मे से देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अलग तरह से देखने की कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त जो सीमाओं पर जो चल रहा है उससे भी जोड़कर देख रहे हैं चीन की सीमाओं से, पर शायद ये राजनीति से कहीं बड़ी बात है आत्मनिर्भर भारत। कैसे देखेंगे आप, कैसे कहेंगे आप? देखिए अशोक जी, सबसे बड़ी चीज है कि ये क्राइसिस के टाइम में या अदरवाइज भी मोदी एज ए लीडर वो सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं, वो एक ऊर्जा का संचार करते हैं, एक निश्चित दिशा में नीति निर्देश वो बनाते हैं, नीति बनाते हैं और उसका कार्यान्वयन जो है, डिलीवरी जो है ग्राउंड लेवल पे करते हैं। और साथ में वो एक आत्मविश्वास जो है लोगों के बीच में, वो सरकार हो या पूरे देश के लोग या जो इंडस्ट्री सेक्टर है जिसकी अभी राजीव जी बात कर रहे थे, जिसको एम्प्लॉयमेंट जनरेटर भी हम कहते हैं, उनके अंदर एक आत्मविश्वास का संचार होना सबसे जरूरी चीज है। और इधर इस कोविड के समय में वो लगातार जनता से संवाद कर रहे हैं, बहुत सारे और भी सेक्टर से वो जो अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो बातें कर रहे हैं, जैसे आज उन्होंने बात की, इंडस्ट्री के जो कैप्टन्स हैं उनके साथ बात की। और देखिए ऐसा नहीं है कि इस समय में ये नहीं हो सकता है, इस मौके पे जो, क्योंकि ये सरकार के मुखिया कह चुके हैं कि इस अपॉर्चुनिटी, ये जो क्राइसिस है इसको हमें अपॉर्चुनिटी में बदलना है। और कई बार कठिन समय में कठिन लोगों की परीक्षा होती है और जो उस कठिन परीक्षा से गुजर जाते हैं वो नेता होते हैं। अब जो हमारे यहाँ एक बड़ी भारी विडंबना है कि हर चीज को जैसे एक सेल्फ फ्लैजिलेशन होता है कि हिंदुस्तान में विश्वास मत करो, अब मोदी में विश्वास मत करो तो हिंदुस्तान में विश्वास मत करो, हिंदुस्तान की सेना में विश्वास मत करो, और चाइना को लद्दाख में ये हो गया जी, वो हो गया। देखिए आप एक चीज नहीं समझ रहे कि ये जो आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत, जो नया भारत है, हम बॉर्डर पे भी चीजों को बना रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। हम नॉर्थ ईस्ट में मतलब सड़क तक नहीं बनाते थे, पर्टिकुलरली अरुणाचल सिक्किम के एरिया में, इधर हम कुछ तो काम कर रहे हैं। अब उनको किसी और कारण से मिर्ची लगी हुई है, वो कुछ और करना चाहते हैं। और इसमें एक मैसेज जो आज प्रधानमंत्री का है कि जैसे अभी राजीव जी कह रहे थे कोई लो कॉस्ट चीज है तो उसको इम्पोर्ट कर दो, वो कह रहे हैं कि थोड़ा संयम रखो, खुद बनाओ। एक निश्चित दिशा में जरूर इंडिकेशन है, लोग उस इंडिकेशन को स्वयं पकड़ लेंगे। हमारे यहाँ समस्या जो विरोधी दलों की है कि उनके पास जो पॉवर्टी ऑफ आइडियाज है उसको किसी और चीज से वो मोदी को टारगेट करने में चले जाते हैं, उसके कारण उनकी समस्या और बढ़ती है। और मोदी वहां एक ज्यादा बड़े नेता